घर माधोपुर पोस्ट परियाही थाना छत्तापुर डिवीजन सुपौल। तीन बजे रात में पानी आया, पानी आया चार, इसके बाद चार फीट पानी आए तो हम लोग घर से तेजी से निकल गए और चीज बर्तन माल जाल सब कुछ छूट गया, यहीं पर जान बचा गए और वहां से भी भाग के दूसरे जगह चल गए, सब कुछ बुड़ गया। जमीन में बालू भरा हुआ है, कोई मजदूरी नहीं लग रहा है। और ये गरीबों को दुख कोई बुझने वाला नहीं है। घर भस गया, मकान टूट गया, जानवर जितना था मर गया, मुर्गी मर गया, बकरी मर गया, जीव जानवर सब मर गया, कुछ नहीं बचा। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? गांव की जमीन हो, गांव की जमीन हो, गांव का ही हो लगान, गांव का ही हो लगान, गांव में किसी तरह के भेदभाव ना रहे, 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 चांदी के सिपाही देख गांव गांव जा रहे, चांदी के सिपाही देख गांव गांव जा रहे, गांव गांव जा रहे, चांदी गीत गा रहे, गांव गांव जा रहे, चांदी गीत गा रहे, चांदी के सिपाही देख गांव गांव जा रहे। हम सब संग में जय जगत जय जगत कि अब तक के 6 महीने बीत चुके हैं, तो पिछले 2 भ्रमण में हमको लगा कि धीरे धीरे सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे। अब इस बार हमें लग रहा है कि 6 महीने के बाद भी जो हालात है वो बहुत ख़राब हैं। किसान के खेत खराब है, गरीबों के पास खाना नहीं है, मजदूरों के पास काम नहीं है। तो 6.5 महीने में एक राष्ट्रीय विपदा के मामले में जिस प्रकार की ताकतवर ढंग से काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, इसलिए हम पदयात्रा के माध्यम से सरकार को जगाना चाह रहे हैं। एक राष्ट्रीय आपदा के बाद किस प्रकार सारे तंत्र इकट्ठे होकर मेहनत करते हैं लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, पीड़ा दूर करने के लिए, ऐसे कोई माहौल यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों को अपने भाग्य पर छोड़ा हुआ है, इसलिए हमको लगता है कि ऊपर से कोई गर्मी नहीं है तो कम से कम नीचे से गर्मी पैदा करना जरूरी है। इसलिए हम लोग पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं। बांध टूट गया, ये तो सत्य है। बांध हमसे पूछ के नहीं बनाया, वो भी सत्य है। बांध टूटने के बाद बहुत लोगों को नुकसान हुआ, वो भी सत्य है। जिसको नुकसान हुआ उसका पुनर्वास नहीं है, वो भी सत्य है। लोग भूखे हैं, वो भी सत्य है। इस सब सत्य बात को कहने के लिए, चिल्ला चिल्ला के सत्य को कहने के लिए चल पड़े हैं हम लोग, सत्याग्रही लोग। अब तो संवाद का और राहत का समय नहीं है, अब तो आंदोलन का समय आ गया। आपके बिना मैं एक कदम आगे नहीं चल सकता।
इसलिए मैंने कहा कि गांव गांव में चलकर गांव वालों से निवेदन करते हुए आगे बढ़ना है सहरसा की ओर। और जब हम सहरसा पहुंचेंगे, गांव गांव से लोग पहुंच जाएं और सरकार के ऊपर दबाव इतना बने, दिल्ली के सरकार के ऊपर और पटना के सरकार के ऊपर इतना दबाव बने कि आपके दबाव के कारण वो दौड़ दौड़ के आए और काम करना चाहते। तो जैसे आज हमको कह रहे हैं आप अपने तकलीफ और दुख, अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे, निकालो बहुत अच्छा है, ये गुस्सा सब लेके चलो वहां सहरसा। हम सबके गुस्सा जो है, जैसे शंकर भगवान के गुस्सा से सारा धरती काम उड़ता है, वैसे ही हम सबके गुस्सा से सरकार काम उड़ेगी। किसान को अपने पैर में खड़ा करो, मजदूर को अपने पैर में खड़ा करो, बहनों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए मौका दो, ये बात कहने के लिए निकल पड़े। आज तो हम एक है, एक है, एक है। काशी का जंग में हम सब संग है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ये ऐसा बोला हमको, ये देखिए उसका आवेदन बना के मुखिया का शिविर में जन्म हुआ ये तो आप बता, मुखिया का ग्राम सभा का दस्तखत करा के भी ले गए, सब कुछ लेकर तब भी नहीं माना। न मानने का कोई कारण बताएं? बोला हम क्या करेंगे, आप कहीं और जाकर पता करो, जाओ वहाँ एसडीओ साहब से मिलो, सिपोल साहब मिलो, जो सिविल वाले को, दोनों जो सिविल में रहते थे उसको, दोनों हम क्या करें? हमारे गांव में समिति का कद कायम हो, हमारे गांव में तभी मानेंगे हम। उसने तो आपकी मदद चाहिए। हाँ, जरूर चाहिए, हमने मरते मरते जरूर करें। आपसे मिलने आए इसलिए कि ये समिति बनाना है। मैं किसी को भेजूंगा आपके पास, आप समिति बनाने में मदद करिए और फिर सब मिलके संघर्ष करेंगे। हम खुद मदद करेंगे। पांच बच्चे को लेकर के कटिहार गए मुसीबत से, वहाँ नहीं गुजरा हुआ, वहाँ से भागे दिल्ली, वहाँ नहीं गुजरा हुआ, वहाँ से फिर बिहार पानी हेल करके बिहार आ गए। यहाँ बच्चा लोग क्या खाता है? महिला आयोग है, एससी एसटी कमीशन है, माने दलित और आदिवासियों के लिए कमीशन है, मानव अधिकार कमीशन है, इन सब कमीशन को कल जाकर मिलने के लिए और उनके यहाँ पिटीशन लगाने के लिए कह दिया है। दिल्ली के जो कल जितने भी कमीशन गरीबों के लिए बना है, उन सब कमीशनों से मिलके जाए, मिलने जाए। इसके भी अलावा हमें तय किया है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक शिकायत दर्ज करेंगे, इस देश के सबसे बड़े अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय के पास इस मुद्दे को ले जाने का और सर्वोच्च न्यायालय से ये बात करने का कि पहले पुनर्वास करो, उसके बाद कोशी क्षेत्र में चुनाव कराओ, ये चैलेंज करने की तैयारी शुरू हो गई। Bol 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 bol
सबको बधाई, लेकिन आपसे निवेदन, बच्चों को देख के बहुत दुख होगा अगर आप कोशी क्षेत्र में जाकर अगर वहाँ के बच्चों को देखेंगे तो आपको खुद रोना आएगा। तो आपको बढ़ चढ़ कर, बहुत बढ़ चढ़ कर इस शहर के लोगों को इस आंदोलन का साथ देना है। तो ये आह्वान करने के लिए मैं आया हूँ। इन सब की ओर से मैं इस शहर वासियों को आह्वान करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर आंदोलन में भागीदार बने और सहरसा को हिलाएं, पटना को हिलाएं, दिल्ली को हिलाएं।